आज लाई हूँ हलवाई जैसे शक्करपारे बनाने के खास सीक्रेट। ये सीक्रेट अगर आपने एक बार देख लिए तो शक्करपारे नहीं लेयर्ड शक्करपारे बनेंगे। इसे आप खाजा कह सकते हैं, गोजा बोल सकते हैं, कई लोग इसे खजूर भी बोलते हैं। बहुत ही अमेजिंग बनेंगे, एक बार जरूर ट्राई करना इस दिवाली। इसको आप क्या नाम देंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले ध्यान रखना होगा इन जो चीज़ों को मैंने लिया है ये बिल्कुल परफेक्ट नाप से होनी चाहिए। तो यहाँ मैं मैदा ले रही हूँ जिसे मैंने एक कप प्लस आधा कप है, टोटल डेढ़ कप मैदा है। ग्राम्स में देखेंगे तो 250 ग्राम मैदा है। आप आटे से भी बना सकते हैं, सूजी से भी बना सकते हैं, पर क्योंकि ये मैदे से जो बनाया जाता है तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब इसमें हम 1 पिंच डालेंगे नमक। नमक डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, 1/4 teaspoon डाल दीजिए बेकिंग पाउडर। जो लेयर्स आती है ना, जो एकदम डिफरेंट होता है हलवाई जैसा, वो इसी से ही होता है। वो लोग तो अमोनिया भी डालते हैं, हम अमोनिया नहीं डालेंगे लेकिन बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसमें डालेंगे 50 ml के आसपास घी। तो अगर आप 1 किलो मैदे का रेशियो अगर समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो 1 किलो मैदे में हम करीब करीब 200 ग्राम घी डालेंगे। ऑयल भी डाल सकते हो पर घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखिए इसका इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए, बहुत अच्छे से मुट्ठी बन रही है। अब आपको लेना है पानी, और बहुत ज़्यादा कस के आपको नहीं मसलना है, जस्ट जोड़ना है। बहुत ज़्यादा कस के अगर हम मसलेंगे तो इसकी लेयर्स जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। इसी तरह कुछ खास ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बालूशाही की रेसिपी भी दी है, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। इस त्यौहार उसे भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मल जब हम कोई भी मैदा गूंथते हैं तो उसे हम सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऊपर से टेक्सचर प्लेन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कैसा है टेक्सचर, यही टेक्सचर चाहिए हमें। तो इसे हमें इस तरीके से जोड़ना है और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है गीले कपड़े से ढककर। यहाँ पर रखा है मैंने एक पैन जिसमें ऑयल हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। ऑयल के लिए आपको बिल्कुल तेज़ गरम नहीं चाहिए, बिल्कुल स्लो गरम चाहिए। अभी भी इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस जस्ट जोड़ना है। इसकी लेयर्स आपको अभी भी बराबर दिख रही हैं, ये देखिए। अब इसको बेल लेते हैं। इसकी थिकनेस है इतनी होनी चाहिए। आप चाहें तो बहुत बड़े बड़े, लंबे, छोटे, अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको चाहिए हलवाई जैसा, जैसे लेयर्स वाला, तो उसके लिए आपको इसी तरीके से डो को तैयार करना है, बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। ये सब मैंने निकाल दिए हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल न करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो बचा हुआ मिश्रण है उसे भी हम बेल लेते हैं। ऑयल को बहुत स्लो गैस पर रखा है, तो हमें जो ऑयल गरम चाहिए बस इतना गरम चाहिए। आपने देखा ना, मैंने टेस्टिंग के लिए एक डाला और अब मैं और भी डाल रही हूँ। तो शुरू में आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम गरम में ज़्यादा डालेंगे तो इसकी लेयर्स नहीं खुल पाएंगे। और कब हमें इसका फ्लेम बढ़ाना है ये भी आपको ध्यान रखना है। मेन इन्ग्रीडियंट्स वही हैं, बस थोड़ा सा उसका बेलने का तरीका मैंने आपको अलग बताया, रेशो अलग बताया, और बता रही हूँ मैं फ्राई करने का तरीका। बस फ्लेम का आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप देख रहे हैं, क्लोजअप में देखिए कैसे ये ऊपर आ गए। अब यहाँ पर एक खतरा और हो जाता है, अगर हमने यहाँ पर सिर्फ लो ही रख दिया तो ये बिखर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर फौरन फुल कर देना है। बस इस बात का ध्यान रखना। अभी भी मैंने करछी नहीं डाली है, बस गैस की फ्लेम फुल कर दी है जिससे वो परतें खुलें और वो फ्राई होना शुरू हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के लिए मुझे इसे फुल रखना होगा, फिर जब इसका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा फिर हमें लो फ्लेम करना है। बस यहाँ इतना सा ख्याल रखना है। ये देखिए ये परतें हैं ना इसके ऊपर। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, बीच से निकाल निकाल के साइड करते जाना है।
ऐसे नहीं कि बड़ी करछी से आपने चलाना शुरू कर दिया तो वो टूट जाएंगे। इतनी अच्छी उसकी लेयर निकल गई हैं। अब जब मुझे लग रहा है कि हाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मैं इसे थोड़ा मीडियम कर रही हूँ। तो ये सारा ध्यान आपको खुद को रखना है कि कढ़ाई कैसी है आपकी। अभी यहाँ पर मैं अगर स्लो फ्लेम नहीं करती ना तो इसका कलर काफ़ी डार्क हो जाता, जो कि मुझे नहीं चाहिए। जैसा कलर मुझे चाहिए वो आ गया है। अब मैं इसे निकालती हूँ। दूसरा बैच भी सेम इसी तरीके से फ्राई करूंगी। अब यहाँ पर वापस ये ऊपर तैरने लग गए, इनकी परतें खुल गई। अब मैं फ्लेम को फुल कर देती हूँ। बस छोटी सी ट्रिक है जिसे आपको फॉलो करना है। तो आपने देखा ना कितना आराम से फ्राई हो गए, ना तो ये टूटे हैं ना बिखरे हैं, लेयर्स बराबर आई हैं। एक एक छोटे छोटे पार्ट में भी आप लेयर देखिए। आपने अभी तक अपने मसाला किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चीनी लिए मैंने एक कप, जिसका ग्राम्स में देखेंगे तो 200 ग्राम चीनी है, और आधा हम लेंगे पानी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, और स्लो गैस पर चीनी घुलने तक इसे पकाएंगे। चीनी घुलने तक मैंने इसका स्लो गैस कर दिया था। उसके बाद मैंने देखा कि एक आध मिनट पकने के बाद ये एक तार की हो रही है, फिर मैंने इसे फुल गैस कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी झाग आ रही है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करूँगी, बस इसमें इस वक्त ये डाल दूँगी। क्योंकि ये लेयर्स वाले हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से इसे बनाना होगा। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है और धीरे धीरे मैं इसे चलाऊँगी, जिससे इसकी लेयर्स में अच्छे से चाशनी चली जाए। हर एक मिनट के बाद मुझे इस तरीके से चीनी ऊपर से डालनी होगी और उसे थोड़ा सा चलाना होगा हल्के हाथ से। ऐसे देखते ही देखते शक्कर जो है ना काफी सूख गई है। अब हमें बहुत ही धीरे धीरे से इन सबको अलग अलग करके निकालते जाना है। अब ना तो ये चिपके हैं, ना इनकी लेयर टूटी है और ना ही ये बिखरे हैं। ये इसकी जो खास बातें थी सारे सीक्रेट मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। तो ये लेयर्ड वाला जो शक्कर पारा ये बनकर तैयार हो गया है। तो लेकिन ये कढ़ाई में ना काफ़ी सारी चीनी है, तो हमें क्या करना होगा, इसे वेस्ट नहीं करना है। आधा कप पानी डाल देते हैं और इसे पका लेते हैं। ये काफ़ी सारी चीनी है, ये पककर एक चाशनी बन जाएगी और फिर से छानकर हम निकाल देंगे। कुछ और मीठे में डाल सकते हैं, जैसे बच्चे पुए खाते हैं, इस शक्कर से हम घोल सकते हैं, मीठी ब्रेड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये लीजिए, ये शुगर सिरप है, इसे हम फ्रिज में रख देंगे, ठंडा करने के बाद आप किसी भी मिठाई में यूज़ कर सकते हो। शक्कर पारे बनकर बिल्कुल तैयार हुए हैं। शक्कर पारे इसको नहीं कह सकते, वरना इन्हें बुरा लग जाएगा, ये लेयर्ड वाले हैं। और इस तरीके से आप इसे ठंडा करके किसी एयर टाइट कांच के जार में रखिए और बच्चे जब आएँ तो टॉफ़ी चॉकलेट सब छोड़ के इसी को खाना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको।